शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर है। शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। किरणीबाग में आज होगा इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण। कल से तय मार्ग पर दौड़ेगी 5 बसें। आपको बता दें कि शाहजहांपुर महानगर बनने के बाद नित विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में लंबे इंतजार के बाद शहर वालों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात बुधवार से मिलने जा रही है, जिसका लोकार्पण मंगलवार की शाम को कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना किरणीबाग से करेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए आरएमएन के त्रिवेदी ने बताया कि मौजूदा समय में 5 बसें हैं, जिसका संचालन बुधवार सुबह से 6 बजे से होगा। महानगर वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है। बसें बरेली मोड़, केरुगंज, कचहरी, रोडवेज बस स्टेशन, महिला थाना, टिकरी चौकी, चिनौर, नियामतपुर मोड़, एआरटीओ ऑफिस, ककरा, ईदगाह, नगर निगम कार्यालय, लोदीपुर, सिटी पार्क, सुभाष चौराहा, रोजा बाईपास, जम्मू का तिराहा, बंतारा तक दौड़ेगी। बाइट एनके त्रिवेदी, आरएम शाहजहांपुर। बाइट कवि इंदु अजनबी, स्थानीय शाहजहांपुर। सबसे मुख्य चीज है ये इलेक्ट्रिक बसेस है, जो कि एयर कंडीशन भी है, जनता की सुविधा के लिए, उनके लिए आरामदायक सुविधा हो, अपने गंतव्य समय से पहुँचे, इसके लिए संचालित की जा रही। ये 32 सीटर बसें हैं और प्रमुख चरण में इनको 4 मार्गों पर चलाया जाएगा। इन पे मुख्य मुख्य स्टॉपेज भी रहेंगे और प्रातः ये 6 बजे चलेंगे, शाम के 9 बजे संचालित होंगी। लगभग इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं, बसें और बढ़ाई जाएंगी या यही रहेंगी? नहीं, वर्तमान में अभी 5 बसें प्राप्त हुई, बाकी आगे बसें आती रहेंगी और संचालित की जा रही हैं।